है ये बिल्कुल एक फिनोमेना के तौर पे कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, नाम बदलने की राजनीति ये कर रहे हैं। इनको पता है कि इसका रिजल्ट आ रहा है, ये जो जरूरी जो कर रहे हैं इनको पता है इसका रिजल्ट आ रहा है। इनको तुष्टिकरण इनको लग चुका है कि हमें हिंदुओं के वोट चाहिए ही नहीं, राम का विरोध खुलकर विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये फिनोमेना इन्होंने पूरे भारत में देख लिया है कि लगातार इसी फिनोमेना पे चलकर इन्होंने अपनी 44 सीटों से 99 सीट पर ये पहुंचने का जो कार्य किया है, इसी फिनोमेना को आगे चलाएंगे। क्योंकि इतनी हिम्मत पड़ गई, पार्लियामेंट में खड़े होकर हिंदू को हिंसक कहें। अभी हमारे एक नेताजी थे जो यूपी से, ये लखनऊ से जुड़े हुए शायद आपके साथ, कह रहे थे हिंदू हिंसा। अरे भैया हिंसा मैं बताता हूं आपको, अयोध्या में क्या किया था आप लोगों ने, गोली चलवाई थी ना, हिंसा का कार्य था। 1984 में इस देश के अंदर सिखों का नरसंहार किस पार्टी ने करवाया था, वो हिंसा थी। समझो अमृतसर के अंदर मंदिर में जाकर वहां पर बेकार से हत्या करवाने का कार्य किया था। लिस्ट बनाऊं आपके साथ, लिस्ट बनाऊं लगातार, पिछले 100 साल की लिस्ट दिखा देता हूं आजादी के बाद से। लगातार हिंसा प्रवृत्ति किस प्रकार से, किस मेंटेलिटी के द्वारा करने का प्रयास किया, हिंदुओं का नरसंहार, इस देश की जनता का नरसंहार करने वाले लोग यहाँ पर बैठकर मुझे बताइए, हिंदू शब्द से इतनी नफरत, लगातार नफरत करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये फिनोमेना इस देश के अंदर इस लगातार पार्लियामेंट में जाकर कुछ समझ नहीं आती है कि इतनी हिम्मत पड़ गई कि पार्लियामेंट में बैठकर हिंदुओं को मार्का करवाना आप ही का काम है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे लड़ेंगे आचार्य विक्रमादित्य और लारी साहब, नहीं आचार्य विक्रमादित्य और लारी साहब आप लोग ऐसे लड़ेंगे। अभी लारी साहब आपने ही कहा ना, लारी साहब अभी आपने ही कहा कि आपने कहा मैं अपनी राय अपनी बात रखने के लिए चैनल पे आया हूँ, अभी आपने ही कहा था सर, फिर आप ही रेगुलर, तो जब आपका नाम लेना है मैं आपके पास उनका नाम लेके सवाल पूछूंगी ना। अरे आप इतने क्यों परेशान हो रहे हैं सर, अगर वो आपका नाम ले रहे हैं तो मैं उनका नाम लेके सवाल पूछूंगी आपसे, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं। अरे क्या आचार्य रुक जाइए, गुंडागर्दी चल रही है क्या समाजवादी, और आप बैठ के सामने उनके बोलने में आपके बोलने में डिस्टर्बेंस हो रहा है, पूरी बात ही नहीं सुन पा रहे हैं आप लोग, रुक जाइएगा। प्रशांत जी एस वो ये कह रहे हैं कि आप लोग बैठे बैठे मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि आपके पास कर्नाटक में कोई मुद्दा है नहीं, कर्नाटक का इतना विकास किया है हमने पिछले 1-1.5 सालों में, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अब आप रामनगर को राजनीति से जोड़ रहे हैं नाम बदलने को। अनामिका जी, कांग्रेस को उतना कॉन्फिडेंस है तो अभी असेंबली डिसॉल्व करने के लिए बोलो, फिर पोल्स पे इलेक्शन लड़ेंगे देखेंगे, क्योंकि इतना विकास किया है 1.5 साल में, लोग थक गए कि बेंगलुरु जैसा शहर में जो विश्वविख्यात है 1 किलोमीटर का रोड भी नहीं लगाया, जो बारिश हो रहा है अभी वाटर लॉगिंग हो रहा है, किसी का कीमत का 1 रुपए का भी काम नहीं किया। एक खुद डीके शिवकुमार ने ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने बताया था कि हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है क्योंकि हम गारंटी को पैसा दे रहे हैं। वो भी क्या किया है, 25,000 करोड़ जो SC ST का पैसा था उसमें भी उससे खींचकर एक गारंटी में दे रहे हैं। ऐसा परिस्थिति है कर्नाटक में, कर्नाटक का ट्रेजरी में 1 रुपए भी नहीं बचा है, पूरा गारंटी के लिए चला गया, विकास के लिए 1 रुपए भी पैसा नहीं बचा है। अभी जो शिवकुमार का भाई ने लोकसभा हार गया उसके बाद अभी उसको पैसा चाहिए। अच्छा क्या कर रहे हैं अभी, मतलब प्रशांत जी ये कह रहे हैं, प्रेम जी लेके आ जाओ, ठीक है प्रशांत जी आ रही हूँ, रुकिए सर आ रही हूँ। प्रॉपर्टी प्रशांत जी ये कह रहे हैं क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं बचा है कर्नाटक के विकास के लिए, इसीलिए अब वो नाम बदल कर, क्योंकि डीके शिवकुमार खुद कह रहे हैं कि अगर नाम बदलेंगे तो विकास आएगा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं बचा है, तो अब वो नाम बदल के राम का नाम हटा के और एक अलग मैसेज देना चाहते हैं जिस वजह से वहां पर विकास आ सके, वहां का डेवलपमेंट कर सके, क्योंकि वैसे सरकार के पास कोई पैसा नहीं है, सरकार ने अपने हित में और अपनी पार्टी के लिए सारा पैसा इस्तेमाल कर लिया है। देखिए अनामिका जी, प्रशांत जी को यह पूरा हक है विपक्ष के नाते कर्नाटक में सरकार की नीति की आलोचना करने का, उनका एक लॉजिक है, उससे सहमति असहमति अपनी बात है, मैं उनको जायज ठहराता हूँ, वो इस नाम इस तरह से आवाज उठा रहे हैं, वो उनका काम है। पर यहाँ पर एक बात और देखिए, इसी कर्नाटक में BJP के सांसद रमेश जिगान जी क्या कह रहे हैं, हम 7 बार के सांसद हैं लेकिन हमें 1 बार भी मंत्री परिषद में बैठ मौका नहीं मिला, बाकी सब लोग मौका, हम दलित हैं, हमें न्याय चाहिए,
बीजेपी के सांसद न्याय मांग रहे, पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं मोदी सरकार में कि बीजेपी का सांसद न्याय मांग रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात बोलिएगा प्रशांत जी, बोलिएगा, मैं जल्दी जल्दी फिनिश कर रहा हूँ। मैंने सवाल से कुछ और पूछा था, आप मेरे सवाल पे आइए। मैं आता हूँ, मैंने कहा कि प्रशांत जी कह रहे हैं कि खुद डीके शिवकुमार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है विकास कार्य के लिए, इसीलिए वो रामनगर का नाम बदलना चाहते हैं, दक्षिण बेंगलोर करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि अगर नाम बदलूंगा तो विकास आएगा, निवेश आएगा। मैंने पहले ही इसका जवाब दिया कि बीजेपी को पूरा अधिकार है उस एंगल से सवाल उठाने का, और मैं सहमति व्यक्त करता हूँ कि आप सवाल उठाइए। तो हम ये मानेंगे सरकार के पास ऐसा नहीं है कर्नाटक के विकास, हम कैसे मान सकते हैं? बीजेपी माने, कांग्रेस बताए, वो बात नाम क्यों बदल रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड है कांग्रेस का मुख्य, कांग्रेस का मुख्यमंत्री नाम बदलने से जुड़ी हुई सियासत पर हम बात कर रहे हैं। अभी अभी देखिए, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी राम मंदिर पर, बात हो रही थी और इस बात पर चर्चा हो रही थी कि कौन किसने गोली चलाई और तमाम बातें। मैं कहता हूं जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरी थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उसे इतिहास के इतिहास का काला दिन बताया था। नरसिंहा राव, पीवी नरसिंहा राव ने कहा था हम फिर से हम मस्जिद बनाएंगे, दोनों बातें थी। पीवी नरसिंहा राव जी को भारत रत्न देने का काम बीजेपी ने किया, किया कि नहीं किया? और लाल कृष्ण आडवाणी जी को जिन्होंने कहा था काला दिन है, उनको मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया, बिठाया कि नहीं बिठाया? कौन श्री राम का विरोधी हुआ आप बताइए? मुलायम सिंह यादव पर ये इतने आरोप लगाते हैं। आप मेरी बात सुनिएगा प्रेम जी, राहुल गांधी ने गुजरात में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लेके, उनकी रथ यात्रा का नाम लेके, राम मंदिर आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा था कि हमने उस आंदोलन को हरा दिया है। क्या इस तरह से सम्मान करते हैं? सम्मान तो वो है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, उन्हें भारत रत्न दिया है, आप भूल गए शायद मेरे हिसाब से, याद कर लीजिए उस चीज को। आप आडवाणी जी का नाम लेके राजनीति कर रहे हैं गुजरात में और उसके बाद कह रहे हैं कि वो सम्मान करते हैं उनका। आपका प्रश्न, राहुल गांधी को कोई आवश्यकता नहीं है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का सम्मान करें, लेकिन बीजेपी को करना होगा। सर भारत रत्न दिया है, पार्टी को बनाया, उठाया, सर्वोच्च सम्मान दिया है, मार्गदर्शक मंडल का सबसे बड़ा सम्मान दिया है। अब जब पीवी नरसिंह, आप लोगों ने उस पर भी सवाल खड़े किए, आडवाणी को आप लोगों ने उस पर भी सवाल खड़े किए कि चुनाव आ रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत यादव को भी पद्म विभूषण दिया गया, और गोली चलाने का आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि उन्होंने हत्या की राहकार सेवकों की, उन्होंने कर्तव्य का पालन किया था। प्रेम जी बार बार कह रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। प्रेम जी मार्गदर्शक मंडल में तो नरेंद्र मोदी भी है, राजनाथ सिंह भी है, मुरली मनोहर जोशी भी है, ठीक बात है। तो ये कह देना कि लाल कृष्ण आडवाणी को डाल दे, जैसे आप तो कह रहे थे काला पानी की सजा दे दियो। मार्गदर्शक मंडल भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च बॉडी में से एक बॉडी इसकी बैठक होती है। नंबर वन, किसको समझा रहे हैं? खुद को समझा लीजिए। राज्य सरकार का काम होता है कि उस राज्य के अंदर राम राज्य लाना, राम का नाम हटाना नहीं होता। आप राम राज्य लेकर आइए, भारतीय जनता पार्टी राम राज्य लाने के लिए आगे बढ़ रही है। वो तो अयोध्या में हार को खत्म करने में जनता ने बता दिया, अधूरे मंदिर का निर्माण किया गया, उसकी सजा मिल गई। रहेगा बास तो बजेगी बांसुरी। अधूरे मंदिर का निर्माण किया गया, श्री राम ने सजा दे दी है। राम से नफरत करती है, विरासत से नफरत करती है, अयोध्या के मंदिर से नफरत करती है, और यही कारण रहा कि कांग्रेस का एक भी नेता राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं जाता है। जब शंकराचार्य कदम न रखते हो वहाँ देश के हिंदुओं को हक है कि ना करे साहब, भगवान श्री राम नहीं है करके। आज ही मेरे दिन अंग्रेज, अगर 99 सीटें लाकर कांग्रेस पार्टी को ये लगता है, कांग्रेस पार्टी को या अलायंस को ये लगता है। प्रशांत जी रुक जाइए सर, रेगुलर बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। सर रेगुलर मत बोलिए प्लीज, आप डिबेट में आते रहे हैं, फॉर्मेट जानते हैं डिबेट का, प्लीज रेगुलर मत बोलिए।